आज हमारा प्रैक्टिकल है थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर को इसको कनेक्शन करना और इसको स्टार्ट करना। तो हम यहाँ पर जो सर्किट डायग्राम बनाए हैं उसको पहले हम लोग समझेंगे कि कैसे इसमें सर्किट डायग्राम बनाया गया है और किस मीटर का क्यों उपयोग है, क्यों लगाया गया है, इसके बारे में जानेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मोटर को चालू करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। एक किसका है, दो आप इसमें डीसी सप्लाई सोर्स दे रहे हो, वो क्या चीज़ है, आपका फील्ड वाइंडिंग है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्साइटेशन देंगे। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, डीसी सप्लाई सोर्स। तो यहाँ से डीसी सप्लाई सोर्स दे रहे हैं और उसके बाद आगे हमको मिलता है रियोस्टेट। रियोस्टेट का काम क्या है बाबू, रियोस्टेट का काम क्या है, वोल्टेज को या फील्ड एक्साइटेशन को रेगुलेट करना, कम बेसी करना है, अपने अनुसार एक्साइटेशन को कम बेसी करने के लिए हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, रियोस्टेट का प्रयोग करेंगे। और वो कितना करंट इस फील्ड में बह रहा है उसके लिए हमको क्या चाहिए, एक एम्पियर मीटर का, जो कौन सा है डीसी है तो हमको कौन सा मीटर चाहिए, एमसी टाइप का या एमआई टाइप का रहेगा, बट हमको डीसी है तो यहाँ एक्यूरेसी के लिए हमको क्या चाहिए, एमसी टाइप का डीसी, सॉरी ये क्या है आपका मोटर है। तो मोटर के लिए आपको क्या इनपुट चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए इनपुट में। इलेक्ट्रिकल को क्या चेंज करेगा, मैकेनिकल में आपको देगा। तो इलेक्ट्रिकल देने के लिए हम यहाँ थ्री फेज सिस्टम है तो हम थ्री फेज यहाँ से सप्लाई दे रहे हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये थ्री फेज सप्लाई है जो क्या कर रहा है, इसका इनपुट है। वो थ्री फेज सप्लाई को हम लोग कंट्रोल करने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए हमको क्या लगाना है, एक टीपीएसटी स्विच, ट्रिपल पोल सिंगल थ्रो स्विच का प्रयोग करेंगे जो एक साथ कटआउट और कट इन होगा। उसके बाद हमको कोई भी मोटर है उसको सुरक्षित पूर्वक और अच्छी तरह से स्टार्ट हो, सेफ्टी पूर्वक स्टार्ट, उसके लिए हम क्या करेंगे प्रयोग, स्टार्टर। जिस मोटर का हमारा ये मान लीजिए कि 3 HP का आपका मोटर है तो हम उसी रेंज का हम क्या करेंगे यहाँ पर स्टार्टर का प्रयोग करेंगे, ओके। उसके बाद स्टार्टर के बाद आता है यहाँ पर पावर फैक्टर मीटर, जो क्या बताएगा, इसका बिहेवियर बताएगा कि हम जानते हैं कि सिंक्रोनस मोटर थ्योरी पढ़ चुके हैं, सिंक्रोनस मोटर तीनों होता है, तीनों बिहेवियर आता है एसी का, लीडिंग बिहेवियर आता है, लैगिंग बिहेवियर आता है, यूनिटी बिहेवियर, तीनों बिहेवियर इसमें देखने को मिलता है। तो हम उस बिहेवियर को चेक करने के लिए हम क्या चाहिए, पावर फैक्टर मीटर का प्रयोग किए हैं। तो पावर फैक्टर मीटर कहाँ लगेगा, आपको स्टार्टर से जो आउट होगा वहाँ से पावर फैक्टर मीटर। तो पावर फैक्टर मीटर में हमारा यहाँ पर चार टर्मिनल रहता है, एल एम सी डी। तो ये आपको यहाँ पर दर्शाया गया कि कैसे किसको कनेक्ट करना है, एम जो होगा इसका इनपुट होगा, एल जो होगा आपका लोड में कनेक्ट होगा, और बी वाला टर्मिनल आपका क्या होगा, न्यूट्रल या किसी अदर फेज में होगा, वो रेटिंग के अनुसार। एक किसका होगा पावर फैक्टर मीटर, एक 500 वोल्ट पर ऑपरेट करेगा तो हम किसी फेज में डालेंगे, अगर नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, न्यूट्रल लाइन की जरूरत पड़ेगा जो 250 को ऑपरेशन करेगा, ओके। उसके बाद इसका एम्पियर मीटर आपका क्या, कितना लोड कंजम्पशन, कितना करंट कंजम्पशन हो रहा है, वो एम्पियर मीटर इसका रीडिंग बताया। कौन सा टाइप का एम्पियर मीटर चाहिए, एमआई टाइप का, यहाँ पर एमसी टाइप नहीं चलेगा क्योंकि ये कौन सा सप्लाई है, एसी है। तो हमको एम्पियर मीटर चाहिए, कितना वोल्टेज है उसके लिए हमको वोल्ट मीटर की चाहिए, कितना इनपुट वोल्टेज है वो ये चाहिए। यहाँ पर अब बात आती है यहाँ पर कि हम लोग यहाँ पर परफॉर्मेंस करेंगे, किस किस में परफॉर्मेंस करेंगे, लो लोड पर परफॉर्मेंस और लोड परफॉर्मेंस देखेंगे। तो लोड कहने का मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैकेनिकल लोड, इसका लोड क्या होगा, मोटर है तो हमारा क्या होगा, मैकेनिकल लोड। तो मैकेनिकल लोड यहाँ पर आपको बेल्ट के माध्यम से इसके ऊपर मैकेनिकल लोड डालेंगे। यहाँ पर आपका क्या है, इस लोड में क्या लगा हुआ है आपका, वहाँ पर आपका जैसे एक देखा है तुल्ला तराजू, देखा है जो टांगने वाला तराजू जिसमें कांटा रहता है, केजी में बताता है, वो इसी टाइप इसमें सेट रहता है, वो आपको यहाँ पर बताएगा कि कितना केजी इसके ऊपर लोड दे रहे हैं। आप यहाँ पर इसको घुमाइएगा, टाइट कीजिएगा, ढीला कीजिएगा, तो आपका लोड को वेरिएशन होगा इसके अनुसार, ओके। तो हम यहाँ पर ये चलेंगे और हम लोग ये क्या करेंगे, एक कनेक्शन आप लोग को समझ में आ गया, ओके। ये आपका डीसी सप्लाई सोर्स है, ये किसके लिए, फील्ड के लिए। ये आपका एसी है जो आर्मेचर आपका इनपुट स्टेटर पार्ट में जाएगा, वो इनपुट है। तो ये हमको रेटिंग सबसे पहले मीटर का हमको क्या ध्यान रखना है सेफ्टी में, कि कोई भी मोटर चालू करने से पहले हमको क्या चाहिए, मीटर का प्रसार, उसका रेंज हमको मेनली ध्यान देंगे। तो रेंज हम कैसे डिसाइड करेंगे, मोटर के नेम प्लेट के ऊपर सब चीज़ दिया रहता है कि कितना आपको इनपुट देना है, कितना एम्पियर करेंट देना है, कितना एचपी का मोटर है तो हम कितना उसके रेटिंग के अनुसार आप स्टार्टर का प्रयोग करिएगा, वो सब आप किसके अनुसार कीजिएगा सेट, मोटर के नेम प्लेट के अनुसार, डिटेल्स के अनुसार, उसके अनुसार हमको सेट करना है, ओके। आप लोग का क्लियर है सर्किट डायग्राम, तब इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकल को परफॉर्मेंस करेंगे, अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करके चालू करके मोटर को हम लोग देखेंगे, आगे पार्ट में हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे।